वेरी वॉम वेलकम एवरी वन वेलकम टू पार्ट टू ऑफ दल मैप सीरीज फॉर दी प्रिलिमिनरी एग्जाम टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री लेट्स मूव अहेड विथ दी नेक्स्ट एंट्री सो हमारी नेक्स्ट एंट्री हमारे को लेके आती है ओशियानिया में वट इज ओशियानिया ओशियानिया इज साउथ आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हमारे आईलैंड नेशन हैं एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कलेक्टिवली इन सबको हम बोलते हैं ओशियानिया राइट हमारे इस टाइम पे दो वॉल्केनिक बड़ी इंपॉर्टेंट है वन जो हमारे वानुआतु में हुई थी एंड द सेकेंड मोर इम्पोर्टेंट वन टोंगा में राइट right? तो इन वॉल्केनिक इरप्शंस को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ओशियानिया के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं दे आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक माइक्रोनेशिया मेलेशिया पॉलिनेशिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया राइट सो बेसिकली जो वानुआतु आइलैंड था जहाँ पे आपका एक सम मरीन वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी दैट इज लोकेटेड इन मेलानीशिया जो टोंगा की वॉल्केनिक इरप्शन है दैट इज दैट ग्रुप ऑफ आइलैंड इज लोकेटेड इन पोलिनीशिया सो मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये ग्रुप ऑफ आइलैंड इस बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राइट थोड़ा सा हम टोंगा वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में एक बार देखते हैं इट इज़ वेरी यूनिक इट इज़ वेरी यूनिक एंड एक एक्सेप्शनल चीज देखने को मिली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नॉर्मल की बात करें तो क्या देखने को मिलता है का नॉर्मल वॉल्केनिक का मतलब क्या है अर्थ के सरफेस के ऊपर लैंड के ऊपर जैसे अभी शिवलक वॉल्केनो हमारा कमचटका पेनिनसुला में इरप्ट हुआ था उसकी भी मैपिंग करेंगे हम इन कमिंग डेज तो नॉर्मल वॉल्केकैनिक इराप्शन से जो एश क्लाउड रिलीज होता है आपका अपर एटमॉस्फेयर में सरफेस को ब्लैंकेट कर देता है जिसकी वजह से इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है आपकी बेसिकली क्या है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का एल्बिडो बढ़ जाता है वो सनलाइट सनलाइट ही नहीं एंटर कर पाती आपकी हीट तो दूर की बात सो so बेसिकली आपकी जो लार्ज स्केल वॉल्केनिक इराप्शन होती हैं ऑन लैंड दे ट्रिगर अ ग्लोबल कूलिंग इफेक्ट इवेंचुअली जब सन लाइट आपकी सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी उस एश क्लाउड के ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा कूल दिस इज दॉर्मल थिंग ये हमारा टोंगा वॉल्केनिक आइलैंड जो था टोंगा के नीचे जो सब मरीन हमारा वॉल्केनिक एरप्शन हुआ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजन्स द फर्स्ट वन इज 1883 का क्रैकटवा वॉल्केनिक इरप्शन क्यों फेमस है बिकॉज इट वॉज दी लाउडेस्ट नेचुरल साउंड एवर रिकॉर्डेड इन ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक नेचुरल इतनी लाउड नॉइस कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी टोंगा का ये जो वॉल्केनिक इरप्शन था जनवरी 2022 की बात है इसकी जो साउंड थी इट इज द सेकेंड लाउडेस्ट एवर रिकॉर्डेड नॉइस नेचुरली प्रोड्यूस्ड सेकेंड मोर इंपॉर्टेंट रीजन इज कि ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ इसका कैलडेरा जो था जस्ट सौ डेढ़ सौ मीटर पानी के सरफेस के नीचे था जिसकी वजह से जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ उसने इतनी ज्यादा मॉइस् वाटर वेपर एटमोसफेयर में रिलीज कर दी कि वो वाटर वेपर अलोन आपकी स्ट्रेटोसफेयर तक पहुंच गई ये धीरे धीरे सारी वाटर वेपर अब अगले कुछ साल तक एटमॉस्फेयर में रिसर्कुलेट करती रहेगी कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं एटमोसफेयर में जितनी हमारी वाटर वेपर है एवरेज टू परसेंट कहते हैं ऑल दो इट कीप्स ऑन वेरिंग उसका टेन परसेंट अकेली इस वॉलकेनिक इरप्शन ने एटमोसफेयर में ऐड कर दिया इस वॉलैनिक इरप्शन से आपकी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी बिकॉज वाटर वेपर इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज ये हीट अब्जॉर्ब करके रखती है जितनी आपकी एनर्जी रिलीज हुई थी इरप्शन में इट इज़ ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट राइट सो इसीलिए ये वॉलकैनिक इरप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट थी ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है टोंगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिस इरप्शन इट इज यू कैन से फाउंड इन ये पोलिनिशिया एंड पॉलिनेशिया में आपका हवाई आइलैंड भी इंक्लूडेड है राइट सो फर्स्ट दिस ग्रुपिंग ऑफ आइलैंड इज इंपॉर्टेंट वानुआतू एंड टोंगा राइट सो क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ओशियानिया की एंड क्योंकि हमारा अभी न्यूजीलैंड में हमारे कुछ सीरीज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिले हैं गैब्रियल हमारा साइक्लोन आया था हमारी जो कुक स्ट्रेट है व्हाट इज द कुक स्ट्रेट दिन स्मॉल वॉटर चैनल दैट यू कैन से कनेक्ट टू वॉटर बॉडीज और सेपरेट टू लैंड मार्स तो क्या है हमारा जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड को हमारीपरेट करती है रिसेंटली यहाँ पे हमें एक अर्थक्वेक भी देखने को मिला था सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक एंड इस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड आइलैंड है हमारा दिस कंट्री बेसिकली क्या है हमारी एट्थ प्लेट है एक बेसिकली नॉट एथ प्लेट एट्थ कॉन्टिनेंट हमारा इट इज सबमर्ज्ड उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही हमारा ओशन सर्फिस के बाहर आया है दिस इज नोन एज योर जीलैंडिया सो जीलैंडिया नाम से पता चल रहा है न्यूजीलैंड हमारा इसी के नाम पे बना है बेसिकली इट इज दी सबमर्ज्ड एट्थ कॉन्टिनेंट राइट ओके नाउट कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैपिंग एंट्रीज फॉर दिस ईयर ओडिशा हमारा एक चीज के लिए बहुत फेमस है देर इज अ पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ टर्टल्स नोन एज योर ऑलिव रिडली टर्टल्स ऑलिव रिडली टर्टल्स ओडिशा के दो लोकेशंस पे मास नेस्टिंग साइट क्रिएट करते हैं मास नेस्टिंग का मतलब आपके हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ सी टर्टल्स ऑलिव रिडली टर्टल्स इन बीचेस पर आके अपने एग ले करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं एरीबाडा मास नेस्टिंग साइट्स ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अरेबाड़ा और ये दो लोकेशंस पे हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं भिट्टरकनी का नेशनल पार्क हमें पता है इन ओडिशा इस नेशनल पार्क में वी हैव दी गहीर माथा मरीन सेंचुरी गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी दो आइलैंड्स हैं विच आर फेमस फॉर दिस एरीबाडा प्रोसेस द नेम ऑफ दिज आइलैंड आर नासी वन एंड नासी टू वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ब्रीफ टाइम के लिए सिर्फ एक बार आया था न्यूज में सो यूपीएससी लुक्स फॉर दिस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एरीबाडा का प्रोसेस हर न्यूज पेपर में बहुत डिटेल में था बट दिस नेम ऑफ दिस आइलैंड वॉज मैंशन ओनली वेरी फ्यू टाइम्स आई बिलीव जस्ट वंस सो ये डेथ आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट कर सकता है प्राइम क्वेश्चन फॉर दिस ईयर इसके अलावा दिस इज मेन फर्स्ट साइट जहां पे हमारे को एरिबाडा देखने को मिलता है गहिर माथा वाइल्ड मरीन सेंचुरी जिसमें ये दो आइलैंड्स है नासी वन नाइसी टू एंड योर सेकेंड इज योर युषिकलिया बीच राइट सो so, दोनों जगह जो है दे आर बेसिकली इन ओडिशा एंड मास नेस्टिंग ऑफ योर ऑलिव रिडली टर्टल्स इज ऑब्जर्व हेयर क्योंकि ओडिशा हमारा न्यूज में था सो वी नीड टू अंडरस्टैंड मेन रिवर्स एज वेल जो इस एरिया में है सो so, न बी आज टू अरेन्ज देउथ बैतरनी ब्राह्मिनी एंड महानदी बेसिकली आपके नॉर्थ टू साउथ अरेन्जमेंट में यह आपको पता होनी चाहिए राइट बैतरनी ब्राह्मिनी एंड महानदी चिलका लेक हमारी इट लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ ऑल दीज थ्री रिवर्स राइट मूविंग ऑन टू दॉपिक इट इज योर हॉगेनकल होगे नकल इज बेसिकली डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका वाई वॉज दिस इन दी न्यूज़ रिसेंटली तमिलनाडु ने बोला है कि इट विल इनिशिएट नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट अब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी कैसे शुरू कैसे हुई सर्वे ऑफ इंडिया ने जब स्टेट्स की हमारी बाइफर्केशन कर रहे थे डीलिनिएट कर रहे थे बाउंड्रीज तो इस होगे नकल टेरिटरी की एक्चुअल डिलीनिएशन अभी नहीं की थी उन्होंने दैट इज वाई कर्नाटका इज ओपोजिंग दिस स्टेप कि दैट कर्नाटका इज सेइंग तमिलनाडु शुड नॉट मूव अहेड विद दिस प्रोजेक्ट राइट एंड अकॉर्डिंग टू कर्नाटका दे आर सेइंग कि हमारा कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना हुआ है बेसिकली दिस रीजन इज अलोंग द रिवर कावेरी राइट सो अकॉर्डिंग टू कर्नाटका दे आर से आप तमिलनाडु शुड नॉट प्रोसीड विद दिस प्रोजेक्ट क्योंकि ये टेरिटरी डिस्प्यूटेड है सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी फाइनलाइज नहीं किया है एरिया एंड द थिंग इज आपको कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उसके बेसिस पे ही वाटर की डिविजन करनी है सो वाटर डिस्प्यूट कौन से दो स्टेट्स के बीच में है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है द हॉगेनिकल डिस्प्यूट इज बिटवीन योर तमिलनाडु एंड कर्नाटका रिवर कौन सी है कावेरी right the next important region in dispute is belagavi belagam to hame pata hota hai but the thing is its alternate name is belagavi it is the disputed territory between maharashtra and karnataka so hua kya tha 1966 में जब हमारे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन चल रही थी बेस्ड अपॉन लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो इस पर्टिकुलर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में कुछ टेरिटरीज थी जिनके बारे में आपका एक कमीशन बैठा था योर महाजन कमीशन राइट right? 1966 में एंड इस कमीशन ने बोला था कि जो आपका बेलागावी है इट शुड गो टू योर कर्नाटका इट शुड रिमेन विद कर्नाटका महाराष्ट्र ने उसी टाइम से इस रिपोर्ट का ओपोज किया था तो तब से ये रीजन डिस्प्यूटेड है एंड हर कुछ टाइम बाद ये पोलिटिकल दोनों दोल गवर्नमेंट ऑफ बोथ द स्टेट्स दे कीप अप ब्रिंगिंग अप दिस इशू क्योंकि कोई भी इसको एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं देना चाहता राइट right? सो so, आपका बेलागावी डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका द नेम ऑफ द कमीशन ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट आपके महाजन कमीशन था राइट ओके नेक्स्ट वन यूरोप इस टाइम नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फॉर मैपिंग बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक

क्योंकि ये मैप बार बार बम्बार किया गया है किया जा रहा है पिछले एक डेढ़ साल से सो so, आपको थोड़ी सी डिटेलिंग यूरोप के मैप की करनी पड़ेगी वील बी कवरिंग मोस्ट ऑफ देम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम स्टेप वाइज चलते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो माइनर सीज हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यू कैन बी आज टू अरेंज देम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट मेन कौन से हैं लिग्वेरियंस सी आपका टेरेनियन सी बेसिकली आपका मेडिट्रेनियन सी आपका इधर है वेस्ट में वी आर टॉकिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम द मेडिटरेनियन सी पहला लिग्वेरियन है देन यू हैव दिनियन सी देन यू हैव द एड्रियाटिक सी आयोनियन सी एंड एजियनसी एजियनसी आपका टर्की और ग्रीस के बीच में है आपका बेसिकली राइट सो यू कैन बी आज टू अरेंज ऑल ऑफ दीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ सिंस वी आर ऑन दिस मैप आपके यूरोप के कंट्रीज दीज बालकन स्टेट्स दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन बी आस्ट कौन सा कंट्री किसको बॉर्डर करता है किसको नहीं करता राइट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दी लैंड लैंड लॉक्ड लॉक्ड कंट्रीज का क्या मतलब है जैसे है like है like है जैसे मैसेडोनिया लाइक लाइक कोसोवो मोल्डोवा उनको कोई वाटर बॉडी टच नहीं करती दे नीड टू पास थ्रू सम अदर कंट्री एज वेल राइट सो ये आपको लैंड लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए यू मस्ट बी अवेयर कि कौन सा कंट्री किसको बॉर्डर कर रहा है किसको नहीं राइट कम टू दैट एज वेल क्योंकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद ग्लोबल ट्रेड में किस चीज का बड़ा इफेक्ट पड़ा था व्हीट वाई बिकॉज इट इज योर टेम्परेट ग्रास लैंड योर स्टेप्स सो बेसिकली टेम्परेट ग्रास लैंड व्हीट इन सब के ऊपर क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है सो मेन टेम्परेड ग्रास लैंड कौन से हमारे स्टेप्स पुस्टर्स प्रेरीज ऑफ यूएस ल्ट एंड डाउन सो बेसिकली लोकेशनल पूछ सकते हैं मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में टेम्परेट ग्रास लैंड एज सच उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वहां पे कौन सी वेजिटेशन मिलती है बेसिकली दे आर द्हीट बास्केट राइट सो यू कैन स्टडी दैट एंड मैपिंग के हिसाब से यू नीड टू नो कि कौन सा किस कंट्री में है एंड किस लोकेशन में है किस कॉन्टिनेंट का है पार्ट दैट कैन बी आस्ट सो दीज बेसिकली आर योर ट्रॉपिकल ग्रास लैंड एज वेल नोन एज सवाना वो आपके पेन से मार्ग हैं बट दी वंस इन दिन दीजन आपके दे आर योर टेम्परेट ग्रास लैंड वहीट से रिलेटेड आपके राइट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज फॉर दिस ईयर एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज विल कम टू द कास्ट प्लेटू लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग आर यू अवेयर दैट अ फोर्थ टाइप ऑफ प्लेटू वॉज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न हार्ट्स वेस्टर्न घाट्स के रीजन में हमारे चार टाइप के प्लेटू मिलते हैं पहले हमें तीन का पता था रिसेंटली साइंटिस्ट को एक फोर्थ टाइप का प्लेटू मिला है इस डिस्कवरी के टाइम पे कास्ट प्लेटू के ऊपर भी डिस्कशन आई थी सो बिफोर कमिंग टू द कास्ट प्लाटू लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स आपको पता है पेनिंसुलर प्लेटू और डेकन प्लाटू में क्या फर्क है लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल जब पैंजिया हमारा डिसइंटिग्रेट हो रहा था एंड हमारी इंडियन प्लेट की नॉर्थवर्ड मोशन आई थी तो बेसिकली जो हमारी इंडियन प्लेट है ये क्या है अरावलीज राजमहल हिल और हमारा कन्याकुमारी दिस इंडियन प्लेट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटू इंडियन प्लेट जब नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी इट मूव्ड ओवर द री यूनियन जैसे ये इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही है नीचे उस टाइम पे एक हॉटस्पॉट एक्टिवेट हो गया था विच ऑज कॉल्ड द री यूनियन हॉटस्पॉट इस री यूनियन हॉटस्पॉट ने कॉन्स्टेंट आपका क्या किया थ्री मिलियन ईयर्स तक एक्टिव इरप्शन थ्री मिलियन ईयर्स तक ये जो नीचे से आपका बसॉल्टिक मैग्मा आ रहा था सरफेस को इसने इंडियन प्लेट को मेल्ट किया एंड सरफेस पे लेयर बाय लेयर इसने बसोल्टिक मैग्मा की लेयर्स डिपॉजिट करनी शुरू की इंडियन प्लेट जिसको हम बोलते हैं पेनेंसुलर प्लेटू उसके ऊपर ये बसॉल्ट बसोल्टिक मैग्मा की जो लेयर्स डिपॉजिट हुई थी लेयर्स के फॉर्म में हुई थी तभी इसको बोलते हैं डेकन ट्रैप्स एंड ये जो बसोल्टिक मैग्मा बाद में डिपॉजिट हुआ बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ द री हॉटस्पॉट इसको हम बोलते हैं डेकन प्लेटू डेकन प्लेटू बसोल्टिक रॉक्स थी इवेंचुअली

It was of years back, उसके बहुत सारे हुई, क्या होता है वेन ऑल ऑफ दॉक स्ट्रक्चर के आसपास जमा हो गए थे दे इरोड तो दीज रॉकी आउटक्रॉप्स इमर्ज जो बसॉल्ट आपका सोलिडिफाई हो गया था उसके आसपास का सेडिमेंट जब इरोड हो गया दीज रॉकी आउटक्रॉप्स इमर्ज सो so बेसिकली ये रॉकी आउटक्रॉप्स जो हैं आपके फ्लैट टॉप इन्हीं को हम प्लेटू बोलते हैं डेकन प्लेटू में हमें ये देखने को मिलते हैं डेकन प्लेटू में जो चार टाइप के प्लेटूज हैं वो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में हैं लेटराइट्स एंड बसोल्टिक बसोल्टिक तो समझ आता है वॉट इज लेटरेटिक प्लेटू जैसे कि कास प्लेटू में हमने ये लिखा है इट इज़ ए लेटरेटिक प्लाटू फरक क्या होता है बेसाल्ट के ऊपर क्या चीज हो रही है इस टाइम वेस्टर्न घाट्स में क्या है रेनफॉल होएगी आपकी जब बेसाल्ट के ऊपर रेनफॉल होएगी तो पानी के साथ आपकी क्या होती है केमिकल वेदरिंग केमिकल वेदरिंग से आपका जो सिलिका कंटेंट है वो धीरे-धीरे लोअर लेयर्स में मूव कर जाता है बेसाल्टिक रॉक के अंदर दिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइटिक रॉक्स लेटराइजेशन बेसिकली प्रोसेस क्या है ये आपका सिलिका कंटेंट लोअर लेवल्स पे मूव करता है जो सरफेस रॉक है उसके अंदर आयरन एंड एल्यूमिनियम रह जाता है जिसकी वजह से इट बिकम्स एज हार्ड एज आयरन लिटरली आयरन राइट सो ये जो हार्ड रॉकी आउटक्रॉप्स हैं दे कैन आइदर बी बसॉल्टिक और दे कैन बी लेटरेटिक डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ योर केमिकल इरोजन नॉट केमिकल इरोजन केमिकल वेदरिंग बिकॉज ऑफ योर एक्सेस रेनफॉल अब ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं हाई ऑल्टीट्यूड एंड लो ऑल्टीट्यूड लिटरेटिक प्लेटू की हमें जो है बेसिकली हाई एंड लो ऑल्टीट्यूड के एग्जांपल्स पता थे ऑब्जर्व थे हमने मार्क कर रखे थे बट जो बेसोल्टिक प्लेटू के हमें अभी तक सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड के एग्जांपल मिले थे लो ऑल्टीट्यूड का हमें अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है लो ऑल्टीट्यूड का हमने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ प्लेटू डिस्कवर्ड इन योर वेस्टर्न घाट रीजन रिसेंटली बाई द इंडियन साइंटिस्ट राइट इसके एसोसिएटेड कई टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राइट बट एज फार एज मैपिंग इज कंसर्न यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस दिस इज द बेसिक वेस्टर्न घाट्स में चार टाइप के प्लेटू मिलते हैं राइट एंड ये डिस्कवरी के साथ इस डिस्कवरी के साथ हमें एक और चीज देखने को मिली थी दैट द साइंटिस्ट सेड कि जो हमारी नई डिस्कवरी अभी हुई है इट इज सिमिलर टू दी कास प्लेटू राइट ये रेफरेंस आया था इट इज अ टाइप ऑफ लेटरेटिक प्लेटू कहां पे मिलता है इन योर सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र राइट सो प्राइम क्वेश्चन फॉर दिस ईयर वेयर इज द कास्ट प्लेटू लोकेटेड इट इज इन महाराष्ट्र इन दतारा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर दिस ईयर करडाए डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाई वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज क्राडा डिस्ट्रिक्ट में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक ताली इस डिस्ट्रिक्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम रोड कनेक्टिविटी हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम यहां पे रोड पहुंची है रोड कनेक्टिविटी इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ट्राइब रहती है दैट इज योर निशी ट्राइब राइट ट्राइब का क्वेश्चन भी आपका प्राइम है आता है लोकेशन के साथ इंक्लूडेड है दैट इज आई हैव मेंशनड इट ऑल्दो कई ट्राइब्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर बट सिंस इट इज अ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया साथ में राइट क्रडाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर अरुणाचल प्रदेश

राइट right? धीरे धीरे करके सब एंट्रीज करेंगे कवर व्हाट डू वी मीन बाय लिटोरल कि कौन से कोस्ट पर टच करता है ब्लैक सी के कोस्ट को कौन से कौन से कंट्रीज टच करते हैं इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज राइट जैसे मोल्डोवा विल नॉट टच इट डज नॉट टच दी ब्लैक सी इसीलिए ये आपका उससे इट इज़ नॉट अ लिटोरल कंट्री कौन से हैं लिटोरल सिक्स कंट्रीज रशिया यूक्रेन रोमेनिया बल्गेरिया तुर्की एंड जॉर्जिया राइट दे बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर योर लिटोरल मैपिंग धीरे धीरे हम सारे करेंगे इसमें आईलैंड हैं योर स्नेक आइलैंड एंड ऑल सी ऑफ मरमरा एंड ऑल धीरे धीरे हम सारी एंट्रीज करेंगे बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे ब्लैक सी को कौन से कंट्रीज टच नहीं करते दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट लैंड कंट्रीज का हमें पता होना चाहिए कमिंग टू सेंट्रल एशिया वंस अगेन तुर्कमेनिस्तान वॉज इन न्यूज वाई बिकॉज ऑफ दरवाजा गैस क्रेटर ऑल्सो नोन एज दी गेट वे टू हेल लिटरली गेट वे टू हेल हुआ क्या था तुर्कमेनिस्तान अपने अर्ली 1971 में ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा था एक्सीडेंटली उनसे एक नेचुरल गैस का एक चेम्बर था वो लीक कर गया मीथेन आपकी एटमोसफेयर में रिलीज होनी शुरू होगी लार्ज स्केल में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज तो उन्होंने क्या किया आग लगा दी जितनी आपकी मीथेन रिलीज हो रही थी वो सारी धीरे धीरे बर्न हो रही है वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व 1971 से लेकर आज तक ये आग जल रही है दैट इज वाई इट इज नोन एज योर हेल्थ गेट इसका एक्चुअल नेम क्या है दरवाजा गैस क्रेटर लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान तुर्क मेनिस्तान इट इन न्यूज बिकॉज द तुर्कुर्कमेनिस्तान गवर्नमेंट इज फाइनली कंसिडरिंग सर्टन ऑप्शन की इस आग को हम कैसे बुझाएते हैं कैसे बुझा सकते हैं एंड वो मिथेन रिजर्व को कैसे हम यूज करेंगे राइट सो अगेन इम्पॉर्टेंट एंट्री फॉर योर सेंट्रल एशिया राइट नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज फॉर दिस ईयर कालीमटन ईस्ट कालीमंटन नुसंतारा वॉट इज दिस लेट्स कम टू दैट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द डिविजन ऑफ द आईलैंड बोर्नियो बोर्नियो आपका जो आइलैंड है वो बेसिकली तीन कंट्रीज में डिवाइडेड है ब्रुनेई मलेशिया एंड इंडोनेशिया इंडोनेशिया की प्रेजेंट कैपिटल जकार्ता इज सिंकिंग इंडोनेशिया की प्रेजेंट कैपिटल जकार्ता इज सिंकिंग वाय सिमिलर कंसेप्ट फॉर जोशीमठ जोशीमठ में भी क्या था एक्विफर लीकेज की वजह से वॉयड कोलैप्स इधर क्या हो रहा है एक्सेसिव टैपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से वॉइड्स धीरे धीरे कोलैप्स कर रहे हैं जकार्ता इस सिंकिंग जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने अभी बिल पास किया है कि बोर्नियो आइलैंड पे जो हमारा हमारा नॉट हमारा जो इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है ईस्ट कालीमंटन उस पे वो अपनी न्यू कैपिटल बनाएंगे और उस न्यू कैपिटल का नाम क्या है नुसंतारा राइट बिकॉज दिस हैज बीन इन द न्यूज नुसंतारा इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो ईस्ट कालीमटन प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया में नई कैपिटल बन रही है इंडोनेशिया की बोर्नियो आइलैंड इट सेल्फ तीन कंट्रीज में डिवाइडेड है कुछ और फैक्ट्स बोर्नियो आइलैंड के क्या जरूरी हैं इट पासिस थ्रू द इक्वेटर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बेसिक चीजें पूछती है यूपीएससी दिस वॉज इन द्यूज क्या आपने मैप ध्यान से देखा इट पासिस थ्रू द इक्वेटर वट इज दि स्ट्रेट दैट अड इट कौन सी वॉटर बॉडीज इसके साथ कॉन्टैक्ट में है द आईलैंड ऑफ सुसी एंड बोर्नियो इज डिवाइडेड बाई द स्टेट ऑफ मकसर आपके जो अडजोनिंग सीज हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं राइट दिस रीजन इज ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैपिंग सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू योर नुसंतारा एंड ईस्ट काली मंथल राइट कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक योर नॉर्डिक कंट्रीज दो चीज़ों की वजह से ये एरिया न्यूज़ में है फर्स्ट वन वॉज योर इंडिया नॉडिक समिट हुआ था हमारा सेकेंड तो ये दीज कंट्रीज फ्रॉम योर नॉडिक कंट्रीज इंपॉर्टेंट कौन से हैं हमारे बेसिकली आपके आइलैंड ग्रुप्स फरो आइलैंड्स जो हैं बेसिकली दे आर फाउंड एट दी इंटरसेक्शन ऑफ दी थ्री वाटर बॉडीज़ नॉर्वेजियन सी नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन फरो आइलैंड्स The second one is your uh, Land Islands. They are found at the intersection of your Gulf of Bothnia and Baltic Sea, right? ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑल दो बॉल्टिक सी में एक और आइलैंड है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट धीरे धीरे आगे भी कवर करेंगे द नेम ऑफ दैट आइलैंड इज गॉटलैंड बट सिंस दिस इज फॉर द नॉर्थिक कंट्रीज इसलिए मैं अभी वो कवर नहीं कर रहा आगे उसको कवर करेंगे राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री फॉर दिस ईयर थोड़ा डिटेल में समझते हैं इंडियन साइंटिस्ट्स ने नॉर्वेजियन साइंटिस्ट के साथ स्वॉलबार्ड आइलैंड पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पिछले एक हजार साल का डेटा कलेक्ट करके ये कंक्लूजन निकाला कि आर्कटिक ओशन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है उसका इंडियन मानसून के साथ क्या टेलीकनेक्शन है जितना गर्म पानी होगा आर्कटिक ओशन में

पिट्स बर्जिन आइलैंड पे क्या है ग्लेशियर्स हैं। जब ग्लेशियर आपके ओशन के साथ कांटेक्ट में रहेंगे गर्म पानी है सबमर्ज्ड यू-शेप वैलीज़ बन जाएंगी दे आर कॉल्ड योर फ्योर्ड कौन सा फ्योर्ड इंपॉर्टेंट है किंग्स फ्योर्डन यहां पे इंडियन साइंटिस्ट ने नॉर्वेजियन साइंटिस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च फॉर दिस ईयर यूपीएस ऑलवेज आस्क क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन मॉनसून बिगेस्ट फैक्टर जो अभी नया रिसेंटली डिस्कवर हुआ है नॉट डिस्कवर बट रादर बेस्ड अपॉन स्टडीज राइट एम्पेरिकली फाउंड ग्रीनलैंड और सोअलबार्ड के बीच में जो वॉटर बॉडी है दैट इज येट वॉट इज द स्ट्रेट नैरो वॉटर चैनल कनेक्टिंग टू वॉटर बॉडीज आर्टिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन और सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड योर आर्टिक ओशन सो कौन सी है वाटर बॉडी योर फ्रैम स्ट्रेट नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड योर आर्टिक ओशन इट बिकम इम्पोर्टेंट राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर पार्ट टू ये सीरीज देखते रहिए आगे की और इंपॉर्टेंट एंट्रीज कवर करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियोज थैंक यू सो मच